मतलब ये मेरी फर्स्ट मूवी है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट नर्वसनेस दोनों है। आई होप सब कुछ मतलब अच्छा हो, रिस्पॉन्स अच्छा मिले। एंड हमने बहुत मतलब हम सब ने बहुत मेहनत की है इसमें और आई थिंक हमने जस्टिस किया है जो भी हमने हार्डवर्क किया है। सो आई होप जस्ट आप सबको पसंद आएगा जब मूवी रिलीज होगी, जब आप सब लोग देखोगे। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, काफ़ी लोट ऑफ हार्डवर्क हुआ क्योंकि एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए उसमें डायरेक्शन की टीम होती है, तो पूरी सिचुएशन को बनाने के लिए एक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए मेहनत करना हमारा एक फ़र्ज बनता है, तो वही हमने किया। आप देखते हैं कितना इसको जस्टिफाई करती है पब्लिक। जब आप दोनों को ये किरदार मिला था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आपने जब एक स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो उस समय का कुछ आप बताइए। जब मुझे अंबादास जी ने स्क्रिप्ट सुनाया था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था और कहीं ना कहीं मैं उसको खुद से, इस कैरेक्टर को खुद से अपने रियल लाइफ से रिलेट करती हूँ। सो बहुत प्यारा सा है जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करने में। मतलब सिर्फ कॉमेडी नहीं, यहाँ पे सीरियसनेस भी, एक प्यार के लिए जो पागलपन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं रियली फील करती हूँ। तो मतलब हाँ बहुत कुछ है, मतलब उसमें कॉमेडी है, मतलब रोमांस है, सीरियसनेस है, प्यार के लिए एक जुनून जो है, तो वो क्या होता है वो देखने को मिलेगा इस मूवी में। तो जिसमें टाइटल में ही है कि हर पल पागलपन, मतलब हर पल वो पागलपन वो दिखता है पूरे। हाँ हाँ, तो एक प्यार में कितनी ताकत होती है ना, वो देखने को मिलता है, वो है वो स्टोरी में। अम्बादास जी ने मेरे को स्क्रिप्ट दी तो मेरे को लगा कि ये क्या है, एक कहानी है, कैसे होगा। तो अम्बादास जी ने मेरे को कहा कि आप इसको थोरोली पढ़ो, जब आप इसको थोरोली पढ़ोगे तो मैंने एक हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे कि आप इसको जब भी आप कोई किसी चीज़ को याद करना तो लिखो पहले इसको। तो मैंने पूरी कहानी, जो जो मेरे करेक्टर के सीन थे, वो मैंने एक एक सीन अपनी डायरी में लिखा। जब मैं उस डायरी में लिख रहा था तब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये तो अच्छे सीन है, अच्छा एक डायलॉग डिलीवरी है, अच्छे डायलॉग्स हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं इसमें अगर मेहनत करूँ तो एक अच्छा काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मैं अपने आप से रिलेट करती हूँ, तो मुझे सॉर्ट ऑफ एक्टिंग वाइज नहीं करना पड़ा था कि हाँ मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वैसा नहीं था। बहुत प्यारा सा था, जो मैंने किया वो नेचुरली फ्लो में किया। आई थिंक सर इसमें मैंने जो किया वो एक, जैसे मैडम ने बताया कि पागलपन है प्यार के प्रति, तो प्यार तो होता ही है, जहाँ प्यार होगा नफरत भी होगी, इमोशन भी होगा, उसको कैसे हम इम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बस वही मैंने इस फिल्म में किया, जिससे मेरे को लगा कि इसमें हम एक इमोशन में जा सकते हैं प्यार के साथ, एक्शन में जा सकते हैं प्यार को पाने के लिए। और पागलपन इस चीज़ का कि हम प्यार के लिए, हम पागलपन नहीं है, वो प्यार ही होता है जो पागलपन की हद तक जा सकता है। हाँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और राइटर भी हूँ। जब मैं राइटिंग किया था तो मुझे लगा था कि यार कहानी अच्छी बनेगी और इसको मैं ही खुद किस लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं खुद सोचा था। और हर पल और पागलपन, अब जिसके अंदर पागलपन है वही कहानी ऐसा लिख सकता है। और मैं सोचा था कि इसमें फिर किस लेवल के मैं कास्ट करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा कास्टिंग मिला इसमें। और मुझे सारे आर्टिस्ट को इतना बोलना नहीं पड़ा कि खैर सब अपनी अपनी मेहनत से बहुत अच्छा एक्टिंग किया। और फिर मुझे भी लगा कि यार मैं डायरेक्शन पहली बार कर रहा था तो मुझे तकलीफ ना हो, लेकिन मुझे ऐसा एक्टर मिले हर जगह पे, हर किरदार में मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं यार कहीं ना कहीं नर्वस हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है। या हीरो हो तो अपने इससे मस्त एक्टिंग कर रहा है, हीरोइन कर रही है, विलन तो बहुत अच्छे विलन है इसमें, उस वो ऐसा लग रहा था कि मैं एक बड़े स्केल पर फिल्म बना रहा हूँ। जब मैं फिल्म बना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोविड था, तकलीफ तो आएगी, इसलिए मैं पर्सनल बहुत सारी चीज़ें रखा था। एज ए डायरेक्टर सिर्फ स्टोरी बनाना नहीं होता है, फिर अपने पूरा मेंबर का ख्याल रखना, एक डॉक्टर रखना, फिर बहुत सारे एक, हाँ ये तो सही है क्योंकि एक ऐसा माहौल था हिंदुस्तान में कि हर कोई घर से निकलने के लिए डर रहे थे, हर आर्टिस्ट डर रहे थे कि यार हम जहाँ जाएंगे वहाँ अटक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो सेकेंड व्यू आया था। तो फिर हमें वो कॉन्फिडेंट आया कि यार हमारे इंडस्ट्री में एक से एक दिग्गज डायरेक्टर है, जैसे रोहित शेट्टी साहब है, बड़े बड़े डायरेक्टर मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं तो एक हम ऐसे प्रिपेयर होके जाए, कल को हमें कोविड भी आया तो हम अपने तरीके से क्लियर रहे। कि अब इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर हायर कर लिया कि सर आप हमारी टीम के लिए रहिए, जो भी है प्रॉब्लम हम आप तक आएंगे। तो हमारे लिए डॉक्टर केंद्र साहब वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट दिया,
फिर हम पीपी किट लेके गए हर टेक्नीशियन के लिए, ताकि हमें आगे तकलीफ ना हो। तो हम पहले ही प्रिपेयर, मतलब एक टीम होती है ना, तो प्रिपेयर करके हम लोग गए ताकि कोविड भी आते तो ही तकलीफ नहीं होती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, मैंने तो इनफैक्ट उनको पली में पहले ही कहा था कि ऐसे डायरेक्टर, मतलब मैंने टेलीविजन सीरियल किया, मैं साई कर रही थी, तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट यूजुअली जैसे होते हैं जैसे होते, तो इनको मैंने जब देखा था, मैंने वहाँ पर बोला था बहुत कूल है, बहुत चिल है, ऐसे है, तो मतलब कुछ यही नहीं है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ काम कर रहे हैं, मतलब होता ना शूटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है हाँ, मतलब आराम से कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट चल रहा है, और मतलब हंसते मजाक में मतलब ये सब में शूटिंग हो गया, ऐसे हो गया। आई थिंक हम 20-25 दिन, जितने दिन भी हम ऑलमोस्ट 1 month रहे, तो ऐसा लगा नहीं, तो सब एकदम ऐसे कूल चिल, एकदम ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए हर जगह। मैं बताना चाहूँगा कि हर पल पागलपन, जैसा कि अम्बा भाई ने बताया, वो आए थे मेरे पास स्टोरी लेके कि गोफी जी हमें म्यूज़िक करना है, और हम लोग थोड़ा पहले से भी जानते थे, जब इनकी पहली मूवी थी उस वक्त हम लोग मिले थे बंजारा, उसके बाद फिर ये दूसरी मूवी के लिए जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने टाइटल बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो इसमें जो हमने गाने रेडी किए, एक टाइटल ट्रैक है इसमें हर पल पागलपन करके, जिसको देव नेगी ने गाया है, जानते हैं बहुत अच्छे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं। उसके अलावा एक गाना है जो शाहिद मालिया जी ने गाया है, और एक डुइट गाना है हमारा जो देव नेगी और शाशा वंशकर ने गाया है, और बहुत ही खूबसूरत हैं, मतलब एक तो थोड़ा क्लब टाइप का म्यूज़िक है उसमें, और दो मतलब एक सैड रोमांटिक है और एक रोमांटिक सॉन्ग है। मेरे अंदर पागलपन है, उसी से हम लोग शुरुआत किया, क्योंकि जब राइटिंग करता था तो राइटिंग करते करते इस कहानी का कई टाइटल आते थे मन में, कि मैं सोचा कि नहीं यार, इसको पागलपंती तो आ चुकी थी, तो मैं बोला पागलपंती तो नहीं कर सकते, लेकिन हर पल हम एनी टाइम पागलपन है, तो फिर हर पल पागलपन ही रख दो, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था। मतलब पर्ली में, हमारा पर्ली शहर में पहला कोई शूटिंग भी नहीं हुआ था, पहली बार ये शूटिंग हुआ मेरे को, मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा काम करने के लिए मिल रहा है, थोड़ा मतलब कुछ अच्छा होता है ना, मन से अंदर कुछ बात चलती है लेकिन अच्छा होता है, तो थोड़ा मूवी में विलन का काम किया, सर ने भी अच्छे मतलब रिस्पॉन्स दिया, हमने भी रिस्पॉन्स दिया, और वापस से इतनी मुलाकात हो गई, और सर भी इतने क्लोज हो गए हमारे, कुछ तकलीफें भी हुई और कुछ अच्छा काम भी हुआ, कुछ बुरे काम भी हुए, लेकिन पूरी पर्ली में आज तक कोई फिल्म ऐसी बनी ही नहीं थी, पहली बार ये हर पल पागलपन बनी, इसलिए हम जुड़ गए सर से, और इसी तरह